किसके लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे वो बेटर हो सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल करने वाला क्या है, मैंने सोचा सबसे पहले इसको डिस्क्राइब कर देता हूं, और इसको डिस्क्राइब करने के बाद जब कॉल करूंगा तो आपको काफी चीजें क्लियर रहेंगी कि अच्छा सर सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में क्या क्या करने वाले हैं और किस तरीके से हम बनने वाले हैं। गाइस आप लोगों ने ट्रस्ट किया है, बिलीव करो आप जितना सोचे हो कि सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल से शायद मेरा इतना बेनिफिट हो सकता है, उससे ज्यादा ऊपर तक आपको लेके जाऊंगा 110%। चलिए बेटे को शुरुआत कर तो समझते हैं, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को तो लास्ट तक जरूर देखना है, जैसे कल के वीडियो को आप लोगों ने प्यार दिया और उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हुआ, मुझे समझ आ गया कि अगर अच्छे काम के लिए एक पैर बढ़ाओ तो कई ढेर सारे पैर बढ़ जाते हैं, और इसी की शुरुआत आज के इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि गाइस ये सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल सबके लिए नहीं है। आप बोलो सर क्यों, मेरे तो कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, ये उनके लिए है जो कि अपना 100% दे सकते हैं कि भाई मुझे करना ही है, सिर्फ उनके लिए है। और उसके लिए मैंने सबसे पहला कुछ करने से पहले यही चीज फिक्स कर दिया है कि 80% अटेंडेंस आपका कंपलसरी होना चाहिए। 80% अटेंडेंस नहीं दे सकते हो मत करो, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर जो मैं सिखाऊंगा वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। 80% अटेंडेंस 100%, आप सोच रहे हो कि सर बहुत मेहनत करवाएंगे? नहीं भाई, बहुत मेहनत नहीं करना, बट डेडिकेशन के साथ करना है। सैटरडे संडे मैं भी आराम करता हूं, और मैं आराम इन द सेंस कि मेरे जो दूसरे काम होते हैं वो सब करता हूं, तो सैटरडे संडे आपको मैं आराम भी दूंगा, बाकी दिन को मिला के आपका 80% अटेंडेंस मुझे मिनिमम चाहिए। 90 और 100 दिए तो फिर उसका रिजल्ट तो कुछ और लेवल पे लेके जाऊंगा मैं अटेंडेंस चेक करके। चलिए बात करते हैं कि करने वाले क्या है। गाइस इस पूरे सीरीज को मैंने 4 मंथ्स में डिवाइड किया है। 4 मंथ्स में आपके साथ 1-to-1 टच में रहूंगा, 1-to-1 टच इन द सेंस कि डायरेक्ट मेरा आपसे इंटरेक्शन होगा डेली बेसिस पे। इवनिंग में आपको एक असाइनमेंट्स मिलेगा और उसको दूसरे दिन इवनिंग में आपको सबमिट करना पड़ेगा, और मैं वो असाइनमेंट चेक करके आपको बताऊंगा कि इस असाइनमेंट्स में ये एरर है, घिस दूंगा एकदम बॉटम से, छोटे छोटे असाइनमेंट्स पहले दूंगा, फिर धीरे 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 उस लेवल का कि प्रॉपर प्रोफेशनल असाइनमेंट्स आप लोग करने के लायक बन जाओगे। और जिस दिन मुझे लगेगा कि आप उस लेवल पे आ चुके हो, उसी दिन से आपका इंटरव्यू कॉलिंग स्टार्ट करवाऊंगा। इंटरव्यू कॉलिंग के लिए मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर इंटरव्यू को कोई 100% का मैं फेक प्रॉमिस करने वाला इंसान नहीं हूं। आप सबको पता है कि दिल से काम करता हूं, दिल से बोलता हूं, मैं पूरी तरीके से आपके जॉब के लिए जी जान लगा दूंगा। किस तरह से, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहां पर ओपनिंग्स है, यहां पर ओपनिंग्स है और यहां पर ओपनिंग्स है, तो उन ओपनिंग्स पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हर एक बच्चे का इंडिविजुअल रिज्यूम मेरे माध्यम से बनेगा, मींस मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, किस कंपनी के लिए कैसे बनाना, हर कंपनी के लिए इंडिविजुअल रिज्यूम आपको बनाना सिखाऊंगा। वो रिज्यूम आप अप्लाई करेंगे, वो पोर्टफोलियो आप अप्लाई करेंगे, पोर्टफोलियो मैं आपको बताऊंगा बनाना कैसे है, वो कवर लेटर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि देखो ये कवर लेटर इस कंपनी के लिए सुटेबल है, प्रॉपर क्रॉस चेक करके 1-to-1 होने वाला है। आप सोच रहे हो सर इतने ढेर सारे बच्चों के लिए आप कैसे 1-to-1 रिज्यूम, 1-to-1 पोर्टफोलियो? भाई सॉरी, इसमें मैं सबको रखने ही वाला नहीं हूं, मुझे सिर्फ 15 बच्चे चाहिए। कितने? 15। ताजुक हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ 15 बच्चे चाहिए, क्योंकि अगर मैं बहुत भीड़ इकट्ठा कर लूंगा तो मैं अपना क्वालिटी नहीं दे पाऊंगा, और मैं अपने क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। एक बैच में केवल 15 बच्चे चाहिए, मींस मुझे 15 बच्चे स्ट्रक्चर्स के चाहिए जिनको ये स्ट्रक्चर के लिए पैशनेट है, और 15 बच्चे चाहिए जो कि बीम के लिए पैशनेट है। बस इतने ही बच्चों को मुझे बनाना है, और मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि मैं कैसे बनाया। अब गाइस इसके अलावा क्या होने वाला है ये समझो। पहले तो मैंने सबसे पहले आपको असाइनमेंट्स डेली बेसिस पे दूंगा, आपको वीडियो सजेस्ट करूंगा। आप सबको पता है कि हमारे पास स्ट्रक्चर का पूरा पैकेट वीडियो ही है, 250 वीडियो का पूरा सेक्शन है, बीम के लिए पूरा 150 वीडियो का सेक्शन है, वो मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। वो वीडियो सारे मेरे माध्यम से जाएंगे, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेने की जरूरत है, सब कुछ सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल ही प्रोवाइड करेगा। मैं आपको वीडियो दूंगा, ये वीडियो नंबर 1 आपको वॉच करना है, इसके बेसिस पर ये असाइनमेंट्स आपको कल सबमिट करना है। वो असाइनमेंट्स आप एक मेरे मेल पर करेंगे, वो मेल मैं आपको दे दूंगा, इसमें उस मेल पर आप असाइनमेंट्स करेंगे, उसके बाद डेली बेसिस पे हमारी आपसे गूगल मीट के माध्यम से, जूम मीट के माध्यम से डेली इंटरेक्शन होगा। आप मेरे से पूछोगे कि सर मैंने ये किया है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, या फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों गधोगधर काम कर रहे हो, थोड़ा और मेहनत करो, जिस भी तरीके से हो पाएगा मैं आपको बनाऊंगा। सिर्फ इतना मेरे ऊपर ट्रस्ट करके 4 महीने का केवल ट्रस्ट करके आ जाओ मेरे साथ, जुड़ जाओ,
100% आपको बना के छोड़ूंगा और इस दुनिया को एग्जांपल दिखाऊंगा कि सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत कुछ कर सकते हो, और वो एग्जांपल आप ही लोग सेट करोगे, मैं तो सिर्फ आपका गाइड बनूंगा। चलिए, इसके बाद मैं आपके साथ क्या यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, इसके बाद गाइस जैसे ही आप लोग को मैं इस लेवल पहुंचा दूंगा कि अब आप प्रोफेशनल प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो फिर मैंने आपको अपने खुद के जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट शेयर करूंगा, वो प्रोजेक्ट आपको करके दिखाना पड़ेगा, और जब उस प्रोजेक्ट पे भी आपका लेवल आ जाएगा तो फिर उसके बाद मैं अपना खुद का जो करेंट लाइव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। अगर किसी ने बहुत बेहतरीन बनाया तो उसको ऑन साइट एग्जीक्यूट भी करवाऊंगा, जिससे कि अपने रिज्यूमे में लिख सके कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स भी किया है। और उसके साथ इस पूरे 4 मंथ्स का आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दूंगा, क्योंकि पूरा तो इंटर्नशिप ही है ना, पूरा घिसने वाला हूं आपको। आप अपने घर पे डेली आपको बैठना पड़ेगा और डेली असाइनमेंट्स करके मुझे मेल करना पड़ेगा, और ये सारा कुछ ऑनलाइन बहुत ही स्मूथली चल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऑनलाइन बहुत सेशन ले चुका हूं, आप सबको पता ही है। ऑनलाइन बेसिस पे डेली इसका टाइमिंग होगा, ऑफकोर्स इवनिंग में टाइम होगा क्योंकि इवनिंग बेस्ट टाइम रहता है, और वहां पर आपको आना है और सबमिट करना है। और क्या हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में, आपको क्या आइडिया लग रहा है? और भी बहुत कुछ है। क्या है इसमें, मैं आपके साथ फेस टू फेस इंटरव्यू करूंगा, 5 बार इंटरव्यू होगा, जो बच्चा कमजोर है उसको 7 से 8 बार करूंगा। मींस आपको मैं इन पूरी तरीके से इंटरव्यू के लिए तैयार करने वाला हूं, जिसमें एचआर राउंड अलग से लूंगा, उसके बाद टेक्निकल राउंड अलग से लूंगा, और इंटरव्यू लेने के बाद ऐसा नहीं कि इंटरव्यू लेने के बाद भगा दिया, इंटरव्यू लेने के बाद आपको फीडबैक दूंगा, फीडबैक देने के बाद बोलूंगा नेक्स्ट टाइम ये गलती मत करना, फिर नेक्स्ट टाइम आपको एक रिपोर्ट बनाऊंगा कि इस बच्चे ने लास्ट टाइम क्या गलती की थी, फिर देखूंगा कितना इंप्रूव किया है। इस तरीके से हर वीक आपका इंटरव्यू होगा, तो जब इंटरव्यू होगा तो आपका इंटरव्यू तो आपको मिलेगा ही, दूसरे लोग जो इंटरव्यू देंगे उसका भी रिकॉर्डिंग आपको शेयर करूंगा कि देखो इन लोगों ने ऐसे दिया, तो जो बेहतर है उनको कॉपी करो, जो बेहतर नहीं है उनसे और अच्छा करने की कोशिश करो। चलिए, ये तो हो गया इंटरव्यू। ऐसा नहीं केवल टेक्निकल राउंड और एचआर राउंड ही आपको खत्म कर दूंगा, मैं आपके साथ लाइव प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स आपको जो दूंगा उसका कैट टेस्ट रखूंगा। कैट टेस्ट इन द सेंस, अगर आप ऑटो कैट के लिए जा रहे हो किसी कंपनी में, तो ऑटो कैट का कैसे आपको वहां पर टेस्ट दोगे, क्योंकि वहां पर एक मोड दे दिया जाएगा, एक टाइम दे दिया जाएगा, उस टाइम पर आपको सबमिट करना रहेगा। ऐसे ही मैं आपको यहाँ पर असाइनमेंट दूंगा, और आपको अपने स्क्रीन का रिकॉर्डिंग ऑन करना पड़ेगा कि मैंने कितने मिनट में उस चीज को सबमिट किया है। अगर आप इतना पावर झेल सकते हो, आप इतना कर सकते हो, तभी आना। और बाकी जितने लोगों ने व्हाट्सएप किया, मैं सबको 1-to-1 कॉल करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बट पहले ये वीडियो देख लो जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कितना हार्ड वर्क करना है। आपको मैं स्टैट प्रो का असाइनमेंट दूंगा, आपको रिकॉर्डिंग आपका ऑन रहेगा, आप उस असाइनमेंट को कितने टाइम पीरियड में करके देते हो और कितनी एक्यूरेसी के साथ करते हो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मार्क्स दूंगा कि देखो ये आपका मार्क्स है, तो उस हिसाब से आपका 4 मंथ का इंटर्नशिप होगा। और कोशिश यही रहेगी कि 4 महीने आपका हो ही ना। हाँ बोलो तो सर कैसी बात कर रहे हो, ये तो बहुत गंदी बात है। नहीं, मैं चाहूंगा कि आपका 2 से 2.5 महीने में सिलेक्शन हो जाए। उससे क्या होगा, जितना जल्दी सिलेक्शन होगा उतना ही आपके लिए बेहतरीन होगा। आप कई लोग सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत अच्छा प्लान है, ऑफकोर्स बहुत अच्छा है ब्रदर, मैंने अपने मतलब जितना मेरे से हो सकता था उतना मैंने जी जान लगा के बनाया है। अब इसका फीस क्या रखेंगे सर, क्योंकि जिस तरीके से बता रहा हूं कि मैं 1-to-1 करने वाला हूं, सिर्फ 15 बच्चों को लेने वाला हूं, तो इस हिसाब से तो फीस इसका 1-2 लाख हो जाएगा। नहीं, टेंशन मत लो, मैंने उतना ही लिया जितना मुझे टाइम मेरा जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स मैं दूसरे काम को थोड़ा कम करूंगा। इस काम का असाइनमेंट्स डेली के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा कि भाई आज का असाइनमेंट आपका ये है, कल का असाइनमेंट ये, तो मुझे काफी टाइम लगने वाला है, तो नो डाउट जो मेरा टाइम लगने वाला है उसके बेसिस पे मैंने फीस रखा है। और इसमें सबसे बड़ी बात, मैंने ये ध्यान रखा है कि जो जॉबलेस है और जो फ्रेशर है उसके साथ उसको कितना हेल्प कर दूं, और जो एक्सपीरियंस है नो डाउट उनको तो थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा, और जो लोग अभी ऐसे हैं जो जॉबलेस हैं और जो लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए क्या ऑफर है वो बता देता हूं। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं और जो लोग अभी जॉबलेस हैं, ऐसे लोगों के लिए मैंने स्पेशल फीस ओनली 20,000 रुपए रखा है, जिसमें सॉफ्टवेयर की पूरी ट्रेनिंग मेरी तरफ से रहेगी, असाइनमेंट्स पूरे मेरी तरफ से रहेंगे, पोर्टफोलियो और रिज्यूम सब कुछ मैं बनवाऊंगा, 1-to-1 लाइव सेशन, इंटरव्यू सेशन सब मैं कराऊंगा, जॉब के लिए सारे असिस्टेंट्स मैं दूंगा। अरे वाह, ओनली 20,000। कई लोग सोच रहे हैं सर ये ज्यादा है, रुको अभी थोड़ा और ऑफर है आपके पास। दूसरा, जो बच्चे अभी जॉब में है डेफिनेटली वो उनके पास अर्निंग आ रही है, तो वो लोग पे कर सकते हैं अच्छे से भी, तो उनकी जो फी रहेगी वो रहेगी 40,000। मींस जो लोग जॉब में 1 साल से 2 साल से 3 साल से हैं, उनको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, वो बड़े लेवल पे जाना चाह रहे हैं, उनकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 40,000। सर ये 40,000 एक साथ पे करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ फ्रेशर बच्चे बोलेंगे सर जॉब ही नहीं लग रही, आप 20,000 रुपए बोल रहे हो, रुको तो अब ऑफर सुनो क्या करना है।
भी बच्चे जो फ्रेशर्स और जॉबलेस हैं उनको अपनी जो भी ये सिविलियन गुरुकुल स्टार्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनको कितना पे करना है, उनको पे करना है 10,000 पर, कितना पे करना है 10,000 पे करना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा 10,000 है वो उनसे मैं तब लूंगा जब उनकी जॉब लग जाएगी उसके 2 महीने बाद। मीन्स अगर आज आपकी जॉब लग जाती है मई में तो मैं मई को भी नहीं छोड़ूंगा, जून को भी नहीं, जुलाई में मैं आपसे वो फीस लूंगा। कैसे लूंगा? डेफिनेटली, क्योंकि ऑफकोर्स वो सिक्योरिटी सबके लिए जरूरी है। अगर मैं इतना आपके लिए कर रहा हूं तो मैं आपसे एक चेक लूंगा, उस चेक का डेट नहीं डालूंगा, डेट तब डालूंगा जब आप इन्फॉर्म करोगे कि सर इस डेट पर मैं आपको पे कर सकता हूं। तो ओनली 10,000 आपको स्टार्टिंग देना है। और पूरा सिविल इंजीनियरिंग जो ट्रेनिंग्स है, मीन्स स्टेट प्रो, ऑटोकैड, सबके रिकॉर्डिंग सेशंस आप सबको पता है मेरे पास है, तो मैं क्लास नंबर असाइन करूंगा कि आज क्लास नंबर ये वॉच करना है, आप वॉच करोगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दूंगा कि ये असाइनमेंट्स कल आपको सबमिट करना, वो आप करोगे, उसके बाद मैं उसका रिपोर्ट आपको डेली बेसिस पे दूंगा। चलिए अच्छी बात है, 10,000 हो जाएगा तब तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 10,000 2 महीने बाद। और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, उनको भी केवल 20,000 ही पे करना है। और वो आगे का 20,000 जब मेरे जॉब, मेरे पढ़ाने की वजह से उनको अगर ग्रोथ मिलती है तो डेफिनेटली वो जॉब में जाएंगे। जब वो जॉब में जाएंगे तो वहां पर अच्छी सैलरी आने के 2 महीने बाद वो हमें पे कर सकते हैं कि सर ये मैंने पे कर दिया, और सेम चेक सिस्टम रखेंगे। कई ढेर सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर एक चीज का प्रॉब्लम है क्या, कि सर मैंने तो आपसे ऑल इन वन ले रखा है, मीन्स स्ट्रक्चर के लिए तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, सर मैंने तो बीम ही ले रखा है तो मैं तो बीम के लिए पढ़ ही रहा हूँ, तो क्या हमारे लिए कुछ नहीं? ऑफकोर्स है यार, सबके लिए मैंने ध्यान रखा हुआ है। जितने भी बच्चे मेरे से पहले से पढ़ रहे हैं, जो जानते हैं कि सर बहुत अटेंशनली एकदम प्रॉपर फोकस करके बनाने की कोशिश करते हैं, वो लोग आराम से जो भी उनकी फी है वो फी उसमें से माइनस हो जाएगी। अगर आपने एक सपोज ऑल इन वन लिया है 6,000 का, तो आपका जो फी है वो केवल और केवल 20 में से 6 माइनस होके 14,000 ही रहेगा, जिसमें से 7,000 रुपए पे करना है और 7,000 रुपए आपको जॉब के बाद करना है। सेम एक्सपीरियंस वालों के लिए भी रहेगा कि जो भी आपने पे किया है 3,000 पे किया है तो 3,000 कट हो जाएगा, जो बचेगा वही पे करना रहेगा, एक्स्ट्रा आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में मैं आपको इतना बना दूंगा गाइस, इतना बना दूंगा कि 4 महीने नहीं, मुझे लगता है कि 2 से 2.5 महीने में आप सिलेक्शन के लायक हो जाओगे। और कोशिश यही रहेगी कि डेली आपको सबसे पहले ओपनिंग्स ले आके दूंगा कि देखो यहाँ पर ओपनिंग चल रही है, फटाफट अप्लाई करो। 1-to-1 डेली इंटरेक्शन करूंगा, 1 से 1.5 घंटे का डेली सेशन होगा, आप शेयर करो कि मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ यहाँ गलती कर रहे हो। अगर आना चाहते हो, अगर मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो, बिलीव करो 4 महीने बाद आप बोलना मुझे कि सर आपने मुझे क्या बनाया है, मैं सबका इंटरव्यू लेके सबका इंटरव्यू यूट्यूब पर डालूंगा, सबको पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत कुछ है, सिर्फ जरूरत है राइट गाइडेंस की और राइट प्लेस की। क्योंकि ऐसे जगह सर्च करो जहां जॉब ही नहीं तो क्या मतलब निकलेगा। मैं आपको बताऊंगा कहां पर आपको रहना है, किस लोकेशन पे रहना है, तो जिससे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा फिर हर ट्रेनिंग के लिए, तो आप जहां से भी हो वहां से आप ट्रेनिंग करके दे सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। समझ में आया होगा कि सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल का कॉन्सेप्ट क्या है। आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करना, क्योंकि ये सब कुछ बनाया हूं मैं आपके माध्यम से, आपने जैसा सजेशन दिया उसके माध्यम से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करना। बाकी अभी मैंने कोई इसका ब्रोशर वगैरह बनाया नहीं है, कोशिश करूंगा आज ब्रोशर बना के कल या परसों में आपको सेशन कर दूंगा। अभी आपको मैं दिखाता हूं, मैंने प्रॉपर सिर्फ डायरी पे मैंने असाइनमेंट फिक्स किए कि भाई इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो इसमें जो भी डायरी पे मैंने किया है लगभग लगभग सब कुछ में। हाँ, सॉफ्टवेयर मैं आपको खुद ही दूंगा, सॉफ्टवेयर का बिल्कुल टेंशन मत लेना। मॉक इंटरव्यू मैं खुद ही लूंगा, एचआर का भी लूंगा, टेक्निकल भी लूंगा, टेक्निकल में क्या पूछते हैं उसका स्लॉट भी दूंगा। हाँ, एक जो बताना भूल गया, जिन लोगों ने बेसिक्स कॉलेज में नहीं पढ़े हैं बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं पीडीएफ दूंगा, मैं समझाऊंगा कि पढ़ना क्या है, आप बस उसको पढ़ के आना। सबसे बड़ी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्टली बोला था लास्ट बोल रहा हूं, वही आना जो 80% अटेंडेंस दे सकते हो, क्योंकि मुझे मार्केट में अपना नाम नहीं खराब करना है। तो मुझे जरूरत ही नहीं है कि ऐसे लोगों की जो रेगुलर नहीं रह सकते हैं जिनके अंदर, क्योंकि मुझे एक चीज पता है यार, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। जो 80% कंसिस्टेंट हो जाएगा यार उसको कौन रोकेगा, मैं क्या, कोई भी उसको बना सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। आइए हाथ पकड़िए, अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हैं तो बिलीव करिएगा आप बना के छोड़ूंगा, और 4 महीने बाद आप खुद ही फीडबैक दोगे कि क्या सर क्या बनाया आपने, और अभी फी मैंने एकदम से लो क्यों रखा, जिससे कि जो लोग सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं वो जुड़ पाए। आगे शायद इसकी फी मैं इंक्रीज करूंगा, ऑफकोर्स, क्योंकि अगर मैं फी इतना रखा तो इतना क्राउड हो जाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा, मुझे पता है इस चीज के बारे में। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।